परम आदरणीय सत्संगत जी प्यार से बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत ज्यों ज्यों समागम की डेट्स वो समा नज़दीक आता जा रहा है, संतों भक्तों के मन में उमंग तरंग खुशी बढ़ती जा रही है। हर मन यही चाहता है कि इस संत समागम में हम शामिल हों, और उससे पहले जो एडवांस सेवा चल रही है उसमें भी हम शामिल हों। सत्संगत हर एक का दिल करता है, पर सत्संगत वो महात्मा ने पीछे एक एग्जाम्पल दिया था कि महापुरुषों पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, तो उन्होंने कहा कि फिर सेवा में लगाया करो ना, कहते जरूरत नहीं होती। सत्संगत इसी प्रकार, समा तो सभी को वो 24 आवर्स का मिला है, कुछ सत्संगत उसमें से भी समा निकाल लेते हैं गुरु की सेवा के लिए। और वाकई सत्संगत गुरु की सेवा तो हम क्या करेंगे। सतगुरु माता जी चंडीगढ़ में आए, रात्रि को सत्संगत 9:30 बजे सत्संग का समापन हुआ, फिर सत्संगत लगभग 1 घंटा वहाँ पे, जहाँ पीछे बैक स्टेज सतगुरु माता जी को कुछ परिवारों ने मिलना होता है, कुछ ने सत्संगत वो दिल की बात कहनी होती है, कुछ प्रबंध व्यवस्थाएं होती हैं, फिर उसके बाद सतगुरु माता जी ने भोजन भी लेना होता है, फिर सत्संगत वो काफिला फिर वापसी की तरफ चलता है। तो फिर सत्संगत सुबह पता लगा कि 7 बजे सुबह सतगुरु माता जी फिर ग्राउंडों में पहुंच गए। तो सत्संगत ये गुरु कर रहा है, करके दिखा रहा है। तो सत्संगत ये मेले ये समागम इसी तरह लगते रहे, ये कारवां इसी तरह सजता रहे, तभी तो सत्संगत रूहानियत और इंसानियत जीवन में आएगी। जब तक हम गुरु की बात श्रवण नहीं करते इन कानों के द्वारा, हृदय के द्वारा, मन में बदलाव नहीं आ सकता। वो सत्संगत कितने महापुरुषों ने वो एग्जाम्पल दिया कि वो एक झूला जो घूम रहा है, भाव यही कि हर चलना पहुंचना नहीं होता। अभी सत्संगत राजकुमार जी को फ़ोन किया गया, इन्होंने वो बात को मान लिया, मत गुरु दी जे मन वसदे पा दें दिए सीधे राह। तो सत्संगत वो रास्ता सीधा अपना लिया, किसी को फ़ोन करते हैं भाई साहब जी संगत में आना, वो सीधा रास्ता अपना लेता है, पहुंच जाता है गुरु के द्वारे। तो जीवन किसका बदलेगा, फ़ायदा किसका होगा, उसी का होगा जो गुरु की बात को मानेगा। तो इसी तरह ये समागम बरसों बरस से 76वां समागम है लगते आ रहे हैं, और सतगुरु के लिए कोई मुश्किल नहीं होता इस समागम का आयोजन करना और उसका समापन करना। अभी भी वॉइस डिवाइन सुन रहे थे तो सत्संगत महात्मा कह रहे थे कि पिछले साल जब इस समागम की कमेटी में लिया गया तो सतगुरु माता जी से सत्संगत अरदास की गई कि पहले भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नई नई कमेटी बनी है, नए नए लोग आए हैं, कैसे होगा। तो सत्संगत सतगुरु माता जी ने और आदरणीय राजपिता जी ने यही आशीर्वाद दिया कि बस आपने हाजिर हो जाना है, पहुंच जाना है गुरु के द्वारे इस समागम स्थल पर। और जहां कहीं भी आपको लगे कि मुश्किल हो रहा है कार्य, बस इस निरंकार के साथ नाता जोड़ो और सिमरन में ध्यान लगाओ, अपने आप कोई ना कोई वे आउट निकल जाएगा। तो सत्संगत कहते ऐसे ही किया, और सत्संगत देखते ही देखते कितना सुंदर हमारा वो 75th समागम हुआ। फिर सत्संगत सतगुरु का शुक्राना ही निकला,
जैसे गीत भी बोला गया कि लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा आए। सत्संगत कहते हैं कि इंद्रजीत शर्मा जी बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में समागम होते थे, लोग हैरान होते थे कि कैसे ये समागम करते हैं। सत्संगत कहते सरकार ने एक टीम भेजी जिसमें कुछ ऑफिसर्स थे, आईएएस भी थे, कुछ और भी ऑफिसर्स थे, कुछ पुलिस के ऑफिसर्स थे। उन्होंने सत्संगत हमारे प्रधान लाभ सिंह जी से पूछा कि आप इतने समागम का खर्चा कहाँ से करते हो, कैसे होता है ये समागम, ये खर्चा कहाँ से आता है, आपको बाहर से फंडिंग आती है कोई? तो सत्संगत उन्होंने कहा कि आप कितने लोग आए हो, कहते 7 लोग आए हैं, गेट के बाहर ही खड़े थे अभी। उन्होंने सत्संगत एक बुजुर्ग महात्मा को बुलाया, भाई साहब जी यहाँ आना। वो दौड़ के गया सत्संगत उनके पास, कहने लगा आप 7 लोगों के लिए कोका कोला लेके आओ। तो सत्संगत उन्होंने कहा कि आप भी लोगे, मैं 8 लेके आऊँगा। तो वो दौड़ के सत्संगत वो कोका कोला लेके आया। प्रधान जी ने सत्संगत अपनी जेब से उसको पैसे निकाल कर देने चाहे, उसने कहा नहीं नहीं महात्मा जी ये मेरी सेवा है। तो सत्संगत उन्होंने कहा इस तरह से होते हैं हमारे समागम। तो सत्संगत सतगुरु एक एक घट में जब बैठ जाता है तो सत्संगत एक समागम क्या, सत्संगत पूरा वर्ष ये सत्संगत इस तरह के आयोजन कर सकता है। और सतगुरु समर्थ होता है सत्संगत, युक्ति दाता होता है। एक बहन सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी के पास आई कि बाबा जी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी समागम की सेवा करूं। माता बाबा जी ने पूछा तेरे पास कितने पैसे हैं, उसने अपनी चुन्नी में से सत्संगत वो गांठ में से कुछ अन्ने निकाले, उस समय अन्ने चलते थे, कहने लगे मेरे पास तो ये 2 अन्ने 4 अन्ने हैं। कहती जाओ नमक की थैलियाँ ले आओ, ये सारी जो नमक की थैली लंगर में दे देना और जो वो लंगर में डलेंगी तो आपका योगदान समागम सेवा में डल जाएगा। तो सत्संगत अब तो सतगुरु ने एक एक गुरसिख को समर्था दे रखी है। सत्संगत आते हैं ऐसे ऐसे महात्मा बाहर से पेशकश लेकर के, कई संत महात्मा सतगुरु ने उनको ऐसा दिया है शक्ति ताकत दी है, पर सत्संगत सतगुरु अंदर दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सत्संगत महात्मा बता रहे थे कि कोई वकील समागम के आगे से निकला, रिक्शा पर बैठा था, तो सत्संगत उस रिक्शा वाले को रोककर उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, जलसा हो रहा है कहीं गवर्नमेंट का या कुछ और कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये निरंकारी समागम हो रहा है और हमारा समागम हो रहा है। एक रिक्शे वाला भी सत्संगत वो ये कहता है कि हमारा समागम हो रहा है। एक मजदूर मजदूरी करने वाला भी ये समागम कहता है हमारा समागम हो रहा है। फैक्ट्रियों के मालिक भी ये कहते हैं हमारा समागम हो रहा है। तो सत्संगत ये समागम वाकई हमारा है और हमने तन से मन से धन से इसमें शामिल होना है। और जो तन मन धन से अपने आप को शामिल कर लेते हैं वो सत्संगत सुखों के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि सतगुरु ने तो ये इशारा दे दिया, ये निराकार दिखा दिया कि सत्संगत जो आज सच चुका सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिर सत्संगत अगर हमारे ध्यान में ये रहता है कि इस हॉल में भी यही है, हॉल से ऊपर चले जाएं कहीं वहाँ भी यही है, हमारे घर में भी यही है, हमारे ऑफिस में भी यही है, हमारे दुकान पे भी यही है, हमारे सत्संगत खेत में भी यही है, कैसे सत्संग समझ आई? सतगुरु ने इशारा ही तो दिया, ये दृष्टि तो दी, दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया। कितनी बार वो बात याद आती है कि दृष्टि तो अर्जुन के पास भी 6x6
या इससे बड़ी कोई और सत्संग तीव्र दृष्टि थी जिसने नीचे तेल के कढ़ाई में देखा और ऊपर मछली की आंख में निशाना लगा दिया। पर शासक तो उसको भी श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, मैं तेरे को दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो हमें भी शासक तो दिव्य दृष्टि मिली है सतगुरु की कृपा से। अब सत्संगत इसके आनंद में रहे, खुशी में रहे, सेवा पे जाए। महात्मा आदेश करते हैं, महात्मा प्रेरणा देते हैं, सेवा करनी है, आपने सेवा पे जाना है, दो दिन जाना है, चार दिन जाना है, एक हफ्ता जाना है। सत्संगत यहाँ से चार महात्मा गए और मोहित जी आज भी बता रहे थे, कहते बहुत संगत है वहाँ, सारा सत्संगत वो संत निवास भरा पड़ा है, काफ़ी सारे महात्मा इधर पंडाल के नीचे सो रहे हैं। चार चार घंटे सतगुरु माता जी बैठ करके वो नमस्कार लेते हैं, सत्संगत आशीर्वाद देते हैं। आज सत्संगत फरीदाबाद की ड्यूटी थी, 5000 से ऊपर महात्मा फरीदाबाद से बसों में भरकर वहाँ से आए सत्संगत और सतगुरु का आशीर्वादों के पात्र बने। तो ये सतगुरु की समझ ही है सत्संगत, जो एक एक के हृदय में बसी हुई है। तो आओ सत्संगत हम भी ऐसे ही सतगुरु का खा रहे हैं, पी रहे हैं। सत्संगत इसीलिए हमारा भी कर्म बनता है कि हम 2 तारीख की अगर अनाउंसमेंट हुई है कि 2 अक्टूबर को जाना है, तो सत्संगत आज ही अपने आप को सत्संगत वो सीट बुक करा लें। कहीं सत्संगत ऐसा ना हो कि बस में सारी सीटें फुल हो जाएं, इतनी सत्संगत वो लगन लगी होनी चाहिए। और सत्संगत अगर मैं चंडीगढ़ जा आया हूँ तो कोशिश तो रहे कि एक बार फिर जा जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं इच्छा बन रही, कोई ऐसा भाव आ रहा है, चलो परिवार के इस बार दूसरे मेंबर जा आएंगे, तो ये भी सत्संग, सतगुरु ने कहा तप है, त्याग है कि घर रहकर आप दूसरों को आगे कर रहे हो। सत्संग वहां जाएंगे तो मन अपने आप लग जाएगा, मन अपने आप सेवा में लग जाएगा, मन अपने आप सिमरन में शामिल हो जाएगा। आपे उस्तत होवेगी ते दुर्मत दूर खलोवेगी के सत्संग, फिर तो अपने आप कार्य होता है। तो सत्संगत एक बार एक पैर तो सत्संगत उठाना होता है, एक पैर तो आगे बढ़ाना होता है। सत्संगत मोड़ के मन नु दुनिया वालों चित गुरु दी चरणी ला, मन को तो मोड़ना होता है। शादी ब्याह में सत्संगत सारे के सारे तैयार हो जाते हैं हम, पर सत्संगत जहाँ गुरु की बात आती है, गुरु भक्ति की बात आती है, फिर सत्संगत मन पीछे हटता है। फिर महात्मा वो गीत बोलते हैं कि मन साडे आखे नहीं लगदा, असी मन दे आखे ना लगिए। तो सत्संगत आओ, कृपा करो, ये खुशियों भरा संत समागम है, सभी के लिए खुशियां देने आया है, आशीर्वाद देने आया है सत्संगत सभी को, चोलियां भरने के लिए आया है। सत्संगत बैठे हैं, महात्मा आदरणीय निर्मल सिंह जी, नरेश जी बैठे हैं, सेवा में जाते थे बचपन से सत्संगत, कितना आनंद, कितना सत्संगत, सतगुरु की भी वो सत्संगत मोहक मुस्कान प्राप्त होती थी। कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी जब लाइनों में नमस्कार करने जाते, कैसे एक एक को प्यार देना, फिर सत्संगत वो नाश्ता मिलना सभी को, वो सत्संगत खुशियाँ, सतगुरु के दरबार से वो गीत, वो भंगड़े, वो तोहफे सत्संगत। और सत्संग सबसे अमोलक तोहफा ये ब्रह्म ज्ञान का, जो सत्संगत जितना जितना हम जाएंगे, जितना जितना सेवा में जाएंगे, जितना जितना सत्संग करेंगे, जितना जितना सत्संगत समागमों में जाएंगे, ये सत्संगत मन में बस जाएगा। कोई सत्संगत एक दिन भोजन खा लेने से जवान ताकतवर नहीं हो जाता, रोज सत्संगत वो खुराक खानी पड़ती है, रोज सत्संगत पानी पीना पड़ता है। एक पौधे को
एक ही दिन कहें कि आज ही पानी दे देते हैं, आज ही इसमें खाद डाल देते हैं, फिर साल भर नहीं डालेंगे। नहीं साथ संगत, नित करने की विद्या है ये। जितना जितना साथ संगत हम इसमें निरंतरता लाते जाते हैं तो साथ संगत आओ खुशियाँ मिलती चली जाती हैं। तो अभी महात्मा सुरेंद्र जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि जन्मदिन का तो एक बहाना है। दास तो सोच रहा था कि छोटे बच्चे का जन्मदिन होगा, पोते का जन्मदिन होगा, पर राहुल जी का जन्मदिन है, बड़ी खुशी हुई। साथ संगत परिवार ने कोई सहारा लेकर के क्या संतों की सेवा करनी है, उस मौके को चुके नहीं साथ संगत। दातार से अरदास करते हैं परिवार में हर तरह की हरियाली हो, खुशहाली हो, तंदुरुस्ती देना सच्चे पातशाह, और साथ संगत अपने चरणों से लगा के रखना, तीन लोकनों का के रखना, तीन लोकनों खंड में गुर से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके मेरा गुरु चाहे सोए। सतगुरु समर्थ होता है, साथ संगत कुल शक्तियों का मालिक होता है, और जब सतगुरु समागम में बैठते हैं तो साथ संगत सारी ताकतों के साथ बैठते हैं। कल भी साथ संगत एक कविता पाशी मुल्तानी जी से सुन रहे थे कि साथ संगत जब समागम होता है तो सारे देवी देवता आते हैं और इंद्र देवता भी आ जाते हैं हाजिरी लगवाने के लिए। तो साथ संगत वो कविता में बड़े सुंदर ढंग से कह रहे थे कि मैंने इंद्र देव से पूछा तुम क्यों आते हो सारे समागम में वो संतों की सेवा पे बारिश डालने के लिए, कहता मेरा भी दिल करता है। तो उन्होंने वो कविता में लास्ट में वो कहा कि मेरे को दिल किया कि मैं भी एक दुपट्टा सतगुरु को डालूं। तो साथ संगत कहते मैंने कविता में लफ्ज़ पढ़े कि ब्रह्मा जी आए मेरे को कहने कि मैं भी अपनी समागम में हाजिरी लगवाना चाहता हूँ और मेरा दिल है कि ये दुपट्टा तू सदगुरु को डाले, ये दुपट्टा एक सदगुरु को भेंट करना चाहता हूँ। तो कहते मैंने वो लाइनें पढ़ी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी स्टेज पर विराजमान थे, बाबा जी ने कहा आ जा। कहते मेरा दौड़ता भागता रस्सी कूदता सतगुरु के समक्ष पहुंचा, स्टेज ऊंची थी, मेरा कद छोटा था, मैंने सतगुरु के चरणों में दुपट्टा रख दिया। तो बाबा जी ने कहा कि अभी तो कह रहा था कि दुपट्टा डालना चाहता हूँ। कहते बाबा जी झुकते चले गए और मैं अपनी एड़ियाँ उठाता चला गया, बाबा जी इतना झुक गए। तो सत्संग सतगुरु अंधे दुनिया उत्ते सारे ही संसार, सतगुरु सारे संसार के लिए आता है, एक एक प्राणी मात्र के लिए आता है। तो गुरु जैसा ना ही कोई देव, गुरु जैसा कोई देव नहीं है साध संगत। आओ कृपा करो साध संगत, सारी ब्रांचेस से बहनें भी गई हुई हैं, महापुरुष भी गए हुए हैं। दास निवेदन करेगा रानी बहन जी से कि सभी को तैयार करें साध संगत, कोई दो दिन कोई चार दिन। साध संगत सीधा बस जाती है स्मालखा ग्राउंड के सामने ही उतारती है, जो महात्मा गए हुए हैं उनको फ़ोन करें, वो उनका बिस्तर वगैरह भी लेके जाएंगे अंदर, और साथ संगत सहूलियत भी मिलेगी। साथ संगत जब सारे जा रहे हैं रल मिल करके जाएं, कोई साधन कर लें साथ संगत। ये नहीं है कि साथ संगत वो समागम और ब्रांचेस के लिए है, बिलासपुर के लिए नहीं है साथ संगत, बिलासपुर वालों ने सेवा पे नहीं, साथ संगत सभी के लिए आदेश आया है। सढ़ोरा से जा सकते हैं, हमारे से साथ संगत और 14 किलोमीटर इधर पड़ता है। तो साथ संगत आओ कृपा करो, अपने आप को प्रिपेयर करें साथ संगत के हम हैं सेवा को तैयार। तो साथ संगत समागम में जाएं, खुशियां प्राप्त करें, और साथ संगत सेवाओं पे जाते रहें, तन की मन की धन की हर प्रकार की। फिर साथ संगत के जो होवे निष्काम निरिच्छित ओ सतगुरु नु भांदी। फिर साथ संगत कहते चेत रे मन चेत के चिड़ियाँ चुग ना जाएं खेत, के क्या वर्षा
जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए तो बारिश का क्या फ़ायदा। तो सत्संगत मौके का फ़ायदा उठाएं, और सत्संगत रुत आई है बीज डाल लें, और सत्संगत अपने आप सत्संगत जो धन है सत्संगत उसको भी धन्य कर लें, सत्संगत उसको भी सत्संगत पवित्र कर लें, अपने तन को भी पवित्र कर लें सत्संगत, मन को गुरु की भक्ति में शामिल करके मन को भी पवित्र कर ले, और जिसका तन भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, धन भी पवित्र होगा, उसके घर में स्वर्ग होगा। और सत्संग तो अरदास भी करते हैं संत महात्मा के, होवे ना खर्च कदे टीकियां दवाइयां ते, जुए ते शराब ते ना होर बुराइयां ते, धन सेवा विच अपनी लवा, भगता नु सारे सुख दे। तो सत्संगत जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। तो सत्संगत एक बार फिर सत्संगत दास पूरे ही परिवार का सत्संगत धन्यवाद भी करता है कि सत्संगत आपके उद्यम से इतने संत महात्माओं ने गुरु का जो सत्संगत प्रसाद है, गुरु के वचन हैं सत्संगत संतों महापुरुषों के माध्यम से, वो भी श्रवण किए, और साथ संगत फिर खाना भी सभी खा करके जाएंगे। तो साथ संगत ये सभी परिवार साथ संगत आशीर्वादों के पात्र हैं, जो सतगुरु के यज्ञ में शामिल होकर के अपने आप को पेश करते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।